जय हिंद दोस्तों। देखिए 23 फरवरी से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो अभी देखिए बच्चों के मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं कि उनकी तनख्वाह जो है वो कितनी होगी। देखिए बहुत से बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि वो इस एग्जाम के अंदर अपनी सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस वैकेंसी के अंदर लगभग 1 लाख बच्चे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे, तो उनकी जो तनख्वाह है वो क्या रहेगी और किस किस पोस्ट पर क्या रहेगी। ठीक है, देखिए उनकी सैलरी जो है क्या रहेगी, उनकी छुट्टियां जो हो वो कितने दिन मिलेगी, किस पोस्ट पर ज्यादा छुट्टियां मिलती है, किस पोस्ट पर ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ठीक है, किस पोस्ट पर यानी कि कौन सी पोस्ट अगर आपको मिले तो प्रमोशन ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सैलरी की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी की जितनी भी पोस्टें हैं उनकी बेसिक सैलरी लगभग 18,000 रुपए है। ठीक है, बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसके बाद में उन्हें डीए, एचआरए और टीएम मिलता है। ठीक है, ये डीए होता है बेसिक सैलरी का 17%, एचआरए होता है बेसिक सैलरी का 8%, 16% और 24%। ये एचआरए का मतलब होता है आपका जो हाउस रेंट मिलेगा वो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूटी किस जगह पर है। किसी बड़े शहर के अंदर है तो आपको ये अलाउंस ज्यादा मिलेगा, किसी छोटे शहर के अंदर है तो आपको 16% अलाउंस मिलेगा, और अगर आपका किसी भी सामान्य क्षेत्र में है तो आपको 8% अलाउंस मिलेगा। ठीक है, बाकी टीए जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वो सभी को इक्वल मिलता है। किसी भी कारण से आपको ट्रेवल करना पड़ता है तो आपका जो इक्वल सभी को एक जैसा ही मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी लगभग कितनी होती है। देखिए इसके अंदर पोस्टें होती है ट्रेकमैन, अपॉइंटमैन, गेटमैन, वर्कशॉप के अंदर आपकी ड्यूटी आ सकती है, हॉस्पिटल के अंदर आपकी ड्यूटी आ सकती है और डिपो स्टोर के अंदर भी आपकी ड्यूटी आ सकती है। ठीक है, वो आपकी जो रैंक आएगी उसी रैंक के और कट ऑफ के आधार पे आपको ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, बाकी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर भी परफॉर्मेंस रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी लगभग 22,000 से लेकर लगभग 25,000 तक होती है इसकी टोटल फाइनल सैलरी। कुल मिलाकर इसकी 22,000 से लेकर 25,000 तक होती है। अब बात आती है कि किस पोस्ट पर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो देखिए ट्रेकमैन की जो पोस्ट होती है यानी कि जो ट्रेक संभालते हैं, ट्रेक के अंदर व्यवस्था जो है वो सुव्यवस्थित करते हैं, तो देखिए उनको अलाउंस मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उनको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है रिस्क का। ठीक है, क्योंकि हर दम उन्हें ट्रेक पर रहना पड़ता है, उनकी ड्यूटी ट्रेक पर रहती है, तो उनकी ड्यूटी ट्रेक पर रहने के कारण उन्हें अलग से अलाउंस दिया गया है 2700। तो इनकी ट्रेकमैन की सबसे ज्यादा जो अलाउंस होती है, ये सबसे ज्यादा सैलरी होती है। ठीक है, बाकी सैलरी ग्रुप डी की 22,000 से लेकर 25,000 तक होती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां किनको मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा छुट्टी की अगर बात करें तो इसके अंदर जो वर्कशॉप के अंदर जो कैंडिडेट ये ज्वाइन करिए उन्हें, और सबसे ज्यादा जो गेटमैन होता है, गेटमैन का मतलब जहां पर भी फाटक जिसे बोलते हैं वहां पर आपने देखा होगा एक कर्मचारी रहता है, उसे ज्यादातर छुट्टियां मिलती है। ठीक है, और तीसरी जो अगर हम देखें तो ट्रेकमैन को, वर्कशॉप के अंदर, गेटमैन के अंदर और ट्रेकमैन के अंदर, इन तीनों को सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। सबसे ज्यादा प्रमोशन कौन सी पोस्ट वाले लेकर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पोस्टों की अगर बात करें, सॉरी प्रमोशन की अगर हम बात करें, आपको बता दूं 3 साल अगर आप इस जॉब में रहते हैं, ठीक है, 3 साल अगर आप इस जॉब में रहते हैं तो आपका प्रमोशन होता है। कुछ एक प्रमोशन इसमें एग्जाम के आधार पे होते हैं, वो टेक्निकल वालों का जल्दी होता है। ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा है उनका जल्दी होता है, और बाकी जिनका जनरल एग्जाम होते हैं उनके द्वारा अगर कोई प्रमोशन लेना चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा कठिन होता है। बाकी 3 साल के बाद में इसके अंदर प्रमोशन हो सकता है, आप अपर पोस्ट पर जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर प्रमोशन, हॉलीडे और सैलरी का मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई थी, आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, और इस जॉब को पाने के लिए आपने 3 साल का वेट किया है यानी इंतजार किया है, तो अब बस आपके सामने थोड़ा सा टाइम और है। मैंने आपको बताया था कि इस जॉब के अंदर अगर आप किसी भी जॉब से है, अगर आप 60+ नंबर लेकर आते, 100 में से 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपका इस जॉब के अंदर जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और आपके लिए गुड लक भी। मैं
मैं चाहूंगा कि आप सभी जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो इस जॉब के अंदर जरूर लगे और अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करें। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता है, तब तक लीजिए।